हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनू। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो बाइक की हमने हाइट इंक्रीज़ करी है वो कैसे आप सब कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सी बाइक्स में प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है काफ़ी कम होती है, इसे चांसेस होते हैं कहीं वो स्पीड ब्रेकर या फिर किसी गड्ढों में नीचे लग जाए, जो उसके नीचे की इंजन वैली होती है वो लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जो हाइट इंक्रीज़र होता है, इससे होता क्या है, एक तो आपकी बाइक की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर आप थोड़ा बहुत टायर चेंज करना चाहें या टायर अपग्रेड करना चाहें तो आप बिना किसी दिक्कत के अपग्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम टायर चेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टायर आप चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें साइड में जो टीवीएस स्पोर्ट की चेन की स्पेस होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्पेसिंग है, तो यहाँ पे टायर लगने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए आप मोटर टायर लगा सकते हो। बट जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक इशू आता है, यहाँ पे रॉड लगी होती है, बट आप इसको थोड़े नट लगा के इस रॉड को बाहर की तरफ कर सकते हो, इससे आपका यहाँ पे चौड़ा टायर लग जाएगा। बाकी इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आगे भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है, और आप इसमें थोड़ा बहुत, मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक लिमिट के हिसाब से आप इसका टायर अपग्रेड कर सकते हो। तो मैं भी इसका अपग्रेड करने वाला हूँ, आपको कुछ एक दो वीडियो के बाद मिल जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी सारा सामान जो है वो नहीं मिल पा रहा है हमें ऑनलाइन। जैसे कुछ नॉर्मल होगा हम तुरंत इसमें फैट टायर इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, आज हम अपने शॉकर्स की हाइट इंक्रीज़ करने वाले। तो इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, और ये इसकी वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड करी थी अपने चैनल पे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको मैं पूरा शॉर्ट करके एकदम समझा दूंगा कि कैसे करना है। तब की फुटेज है जब हमारे पास इंक्रीज़र नहीं लगा था हमारी बाइक में, और अब इसके बाद मैं आपको बाद में एंड में इसकी एक ऐसी फुटेज दिखा दूंगा जिससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस इसमें आता है। तो ये जो हाइट इंक्रीज़र है सिर्फ बाइक के लिए ही नहीं, स्कूटीज़ के लिए भी अवेलेबल है, आप स्कूटी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूटी में एक साइड से शॉकर होता है, तो ये स्कूटी में एक ही ज़रूरत रहती है, आप इसको स्कूटी में आराम से लगा सकते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, आप मार्केट में इसके डिफरेंट साइजेस खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Too many lows, too many highs, too many things to criticize.
could fold these lies. Don't care if I capsize. Oh no. तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे हाइट इंक्रीज इंस्टॉल कर लिया अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, बाइक की जो हाइट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है और वो एक थोड़ा सा अलग लुक दे रही है बाइक को, क्योंकि पहले बहुत सी दबी हुई बाइक लगती थी। इसको लगाने का एक डिसएडवांटेज ये है गाइज, आपका मिडिल स्टैंड काम करना बंद हो गया है, क्योंकि आप वो मिडिल स्टैंड का जो हाइट है वो सफिशिएंट नहीं है कि आपकी बाइक के दोनों टायर्स को उठा सके। तो एक यही डिसएडवांटेज है इस हाइट इंक्रीज़र की, बाकी सब बढ़िया है। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप कभी भी स्पीड ब्रेकर्स में निकल रहे हैं जो काफ़ी हाइट वाले हैं। इन बाइक्स के लिए नहीं, उन बाइक के लिए भी जिनकी थोड़ी इंजन बैली होती है, इंजन बैली मतलब जो इंजन के यहाँ पे फेयरिंग होती है नीचे से, तो वो भी काफ़ी चांसेस होते हैं वो स्पीड ब्रेकर पर लग के टूट जाएँ। तो इससे काफ़ी आप डिफरेंस देख सकते हो, पहले हमारी बाइक काफ़ी नीचे दबी थी, अब जो बाइक है काफ़ी उठ चुकी है। तो दोस्तों अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तो मे बी इसके बाद एक या दो वीडियो के बाद मैं इसका थर्ड पार्ट अपलोड करूंगा, क्योंकि अब कोई सामान ऐसा मिल नहीं रहा है, और अगर जब तक कोई सामान मिलेगा नहीं तो खाली वीडियो बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है रिपीटेड करके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शैनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।